एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्टेड ऑफिसेस, निर्वाचित पद संचय या डॉयल मंडी, दोहरा जनादेश। फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली की एक विलक्षण प्रथा है। इसे दोहरा जनादेश के नाम से जाना जाता है। एक दोहरा जनादेश वह अभ्यास है जिसमें निर्वाचित अधिकारी एक से अधिक निर्वाचित या अन्य सार्वजनिक पदों पर एक साथ काम करते हैं। इस प्रथा को कभी कभी ब्रिटेन में डबल जॉबिंग और फ्रांस में कमुल डेट्स मंडेट्स के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति एक साथ अनेक निर्वाचित पदों पर बना रहता है, उदाहरण के लिए संसद के दोनों सदनों, नेशनल असेंबली और सीनेट के सदस्य, नगर पालिका के सदस्य या मेयर के पद पर भी बने रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित डबल डिपिंग से भिन्न माना जाता है, उदाहरण के लिए एक ही समय पर एक ही सार्वजनिक प्राधिकरण से सेवानिवृत्ति और पेंशन प्राप्त करना डबल डिपिंग का उदाहरण माना जाता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी नगर या पार्षद का मेयर है, राष्ट्रीय और राज्य विधायिका में सांसद या सीनेटर के रूप में निर्वाचित हो जाता है और दोनों पदों को बना रहता है, तो यह एक दोहरा जनादेश है। इस तरह स्थानीय और क्षेत्रीय इकाइयों के प्रतिनिधियों के रूप में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के तौर पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इस प्रथा के कारण वहां की संसद की शक्ति का बहुत ह्रास हुआ है। दोहरे जनादेश के प्रति राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण व्यापक रूप से भिन्न है। कुछ देशों में दोहरे जनादेश राजनीतिक संस्कृति का एक सुस्थापित हिस्सा है, दूसरों में वे कानून द्वारा निषिद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए संघीय राज्यों में संघीय कार्यालय धारकों को अक्सर राज्य कार्यालय धारण करने की अनुमति नहीं होती। अधिकांश राज्यों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका या सिविल सेवा की सदस्यता आमतौर पर एक व्यक्ति को कार्यकारी या विधायिका में एक साथ पद धारण करने से अयोग्य ठहराती है। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में आमतौर पर एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकते। एक कार्यालय के धारक जो चुनाव जीतता है या दूसरे में नियुक्ति करता है, जहां दोहरा जनादेश निषिद्ध है, उसे या तो पूर्व कार्यालय से इस्तीफा देना होगा या नए को मना करना होगा। थैंक यू।